नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं राम नाम के रहस्य के बारे में बात करूंगी, राम नाम की महत्वपूर्णता के बारे में बात करूंगी और इसे क्यों जपना चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, राम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम मात्र दो अक्षर नहीं है, राम बिल्कुल सांस्कृतिक विरासत है हिंदुस्तान की। राम हमारी एकता और अखंडता है, राम हमारी आस्था और अस्मिता के सर्वोत्तम प्रतीक है, राम सनातन धर्म की पहचान है, राम तो प्रत्येक प्राणी में रमा हुआ है, राम चेतना और सजीवता का प्रमाण है। अगर राम नहीं तो जीवन मरा है। इस नाम में वो ताकत है कि मरा मरा करने वाला भी राम राम करने लगता है। इस नाम में वो शक्ति है जो हजारों लाखों मंत्रों के जाप में भी नहीं है। राम का अर्थ प्रकाश है। किरण और आभा यानी कांति जैसे शब्दों का मूल में राम छिपा हुआ है। रा का अर्थ है आभा कांति और म का अर्थ है मैं मेरा स्वयं। इसलिए मेरे भीतर प्रकाश, मेरे हृदय में प्रकाश, यही है राम का नाम। तो चलिए जानते हैं कि इसकी शक्ति को हम कैसे पहचानें। दोस्तों, बलशालियों में भी बलशाली है राम, लेकिन राम से भी बढ़कर राम है जो राम का नाम। राम ये शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण इसकी उच्चारण है। राम मात्र कहने से शरीर और मन में एक अलग तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। हजारों संतों महात्माओं ने राम नाम जपते जपते मोक्ष तक को पा लिया है। रमन्ति इति रामः, जो रोम रोम में रहता है, जो समूचे ब्रह्मांड में रमण करता है, वही राम है। राम जीवन का मूल मंत्र है। दोस्तों, राम मृत्यु का मंत्र नहीं, राम गति का नाम है। राम थमने ठहरने का नाम नहीं, राम सृष्टि की निरंतरता का नाम है। तो दोस्तों, नाम में ही जब इतनी शक्ति है तो इसके उच्चारण मात्र हमें कितनी तरह की शक्ति का अनुभव हो सकता है। दोस्तों, अक्सर हम लोग रात को डर जाते हैं, अक्सर रात को हम लोग चौंक जाते हैं। आप ये प्रयोग करके देखिए, सिर्फ आप जिस स्थान पर सोते हैं, आप जिस स्थान पर अपने सर को रखते हैं, वहाँ सिर्फ तीन बार अगर राम 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 लिख देंगे तो आपकी नींद तो विघ्नित होगी ही नहीं, बल्कि आपको अच्छे सपने आएंगे। अगर सपने ना भी आए तो भी आप इतने साउंड स्लिप सोएंगे कि आप दूसरे दिन सोचेंगे कि ये रात कैसे गुजर गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। दोस्तों, राम में एक अद्भुत शक्ति है। राम का नाम जपने मात्र से बहुत कुछ हम पा लेते हैं। पुराणों में भी राम नाम का उल्लेख किया गया है। तो हम हमेशा बहुत जगह में डर जाते हैं, हम अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं कि डर के कारण से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी मैं उन्हें राम नाम के जप का यानी श्री राम के जप का मैं ये छोटी सी एक टिप्स बता दे रही हूँ कि जिन्हें बहुत कॉन्फिडेंस में अभाव होता है, अक्सर अंधेरों में डर लगता है, अक्सर उन्हें किसी से कुछ अपनी मन की बात कहने में डर लगता है, वो इंसान अगर कंटिन्यूअसली अपने मन में राम 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 का उच्चारण करते रहे तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर से चली जाती है। राम में वो शक्ति होती है जो महामंत्र होती है, जो सारे कष्टों का नाशक भी होती है। जैसे कि कृष्ण वैसे ही राम, इनमें इतनी शक्ति है कि इनके उच्चारण मात्र से आपको इनकी वाइब्रेशन समझ में आ जाएगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मुझे घबराहट होती है, अक्सर पढ़ते हुए बच्चे कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है, अक्सर हम कभी कुछ ऐसी चीज़ें एहसास कर लेते हैं जो कि अशरीरी आत्मा होती है, अशरीरी आत्मा। और ऐसा होता भी है, हमें अक्सर डर लग जाता है, हम अक्सर परछाइयों से डरते हैं, लेकिन उस वक्त अगर आप राम नाम का नाम लेते हैं
तो इससे बड़ी पावरफुल चीज कुछ नहीं है कि सेकंड में ये मंत्र आपके सारे डर को दूर भगाता है, आपके सारे कष्टों का निवारण करता है, आपके मन में एक शक्ति को प्रज्वलित करता है जो कि बहुत जरूरी है। दोस्तों हमारी अंतरात्मा जो है ना, ये एक खुद में पवित्र आत्मा होती है। जब इस आत्मा के साथ हम पवित्र नाम लेने लगते हैं तो इसका एहसास हमें खुद पता है कि क्या हो सकता है। इसलिए राम नाम का जप करते रहना चाहिए, यहां तक कि देवता भी राम का नाम ही जपते हैं। यह राम का नाम परम महिमामय संपूर्ण जनों में व्याप्त सूक्ष्म और स्थूल पापों का एक क्षण में नष्ट करने वाला मंत्र होता है। यानी कि आप शत्रु से भी बहुत डर रहे हैं पर आपको उसका सामना भी करना है, तो ऐसे में आप उनका सामना कैसे करेंगे? बस राम नाम लेते रहिए, खुद ब खुद आप में वो शक्ति आ जाएगी। देखिए राम जो है ना, ये दो अक्षरों का मंत्र जपने पर आपके समस्त पापों का नाश होता है। राम दो अक्षरों का मम स्वत कोटि मंत्रों से भी अधिक महत्वशाली मंत्र होता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल मंत्र होता है, तो इसको समझने की ज़रूरत है। जो हम कहते हैं राम नाम हमेशा जपते रहना, किसी को बहुत डर लग रहा है, किसी को बहुत कष्ट हो रही है, किसी को दुखों की सीमा नहीं है, बहुत सारे मंत्र कर लिए हैं, अब उनको लग रहा है कि कोई मंत्र काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे समय में अगर वो इंसान अपनी कॉपी में भी राम 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 यानी राम का नाम लिखता है तो उसकी आधी विश वहीं फुलफिल होती है। ये मैं तब कह रही हूँ जब आप निराश हो गए हो, जब आप अपनी सारी आशाएं खो चुके हो, डर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, घबराहट हो रही है, तो ऐसे स्थान में आप राम नाम का जप ज़रूर कीजिए। इससे आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। और देखिए महापुरुषों का कीर्तन करने से विज्ञान बुद्धि की प्राप्ति भी होती है, तो राम एक महापुरुष थे। राम की अगर गुणों के गुणगान सुनेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि राम कितने सर्वश्रेष्ठ थे। तो अगर भय डर सताती है आपको, अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो फिर इसके क्षणिक भर मात्र आप राम नाम जपने से आपको इसका असर ज़रूर दिखेगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, और यूं ही इस तरह के वीडियोस मैं लाती रहूँगी, और आप लोगों के साथ मेरा जो जर्नी है, जो इस तरह की बातों की जर्नी है, वो हमेशा चलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।